हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर खड़े हुए हैं और शाम का मज़ा ले रहे हैं। अभी हम हैं देहरादून में और अभी हमारी मौसी और मामी ने बनाई है बिरयानी। गाइस, इसे ना शाम का मज़ा नहीं बोलते, इसे ना सनसेट की वाइब्स बोलते हैं। आप देख रहे हो पीछे, साउंड सुनो बैकग्राउंड में। अब ये डंगर बोला पीछे से, मैं तुम्हें बैकग्राउंड का साउंड देख रहा हूँ। वाओ, डायरेक्ट मतलब नेचर से कनेक्ट हो रहा है। ऊपर चांद है, सामने वहाँ पर आपका नरेंद्र नगर दिखेगा आपको, एक चांद ऊपर है, एक नीचे, जिसके लिए उत्तराखंड फेमस है। एक चांद और ये चांद अपने आपको बता रहा है कि एक चांद नीचे है। देखो, चांद कहीं नहीं दिख रहा, ये चांद थोड़ा धुंधला पड़ गया। हेलो, चांद के सामने तारे भी हैं, छोटे छोटे मेरे सितारे जमीन पर। और अभी शुरुआत नहीं किया गिटार को, और कोई प्रोफेशनल गिटारिस्ट नहीं हूँ, ऐसे हॉबीज में कभी कभी साउंड क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा वक्त निकाल के। तो और ये दोनों इनके पार्टनर, और ये हमारा बहुत ना रिचुअल सॉन्ग है, आप सभी ने सुना होगा इसको, बहुत पुराना सॉन्ग है जिसमें एक, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, जिसमें एक लड़की अपने लवर को बोलती है कि हट, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, वाई, क्योंकि तूने मुझे एक खत नहीं लिखा। तो उसमें एक्सक्यूजेस बताता है कि मैंने खत क्यों नहीं तुझे लिखा, उसके पीछे की वजह क्या थी, राइट? तो बहुत प्यारा सॉन्ग है, फील कर रहा, राइट? कमान, और जो साथ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है तो जो साथ में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, लकी। तो कहने का मतलब, आप शुरुआत करो, गिटार चाहे आता हो ना आता हो, बट कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना? स्टार्ट, यस। कर दो ऐसे बात हटे, छोड़ दे मेरे हाथ, दिल कर दो ऐसे बात हटे, छोड़ दे मेरे हाथ, मुझे टेक ले कि मैं बदनामी की वजह से मैंने आपको लेटर नहीं लिखा। तो अब लड़की क्या बोलती है उसके रिप्लाई में, सुनना है। लड़की बोलती है, पार्टी शार्टी के बाद आज बोला मैच खेलेंगे। तो मेरा एक भांजा है, बोर्ड था उसका साल, एग्जाम भी खत्म हो गया, दो भांजे, दो कह रहा मैं आपका करियर बर्बाद करूँ। आज उसका सच में खुद का करियर बर्बाद हो गया क्रिकेट में, एक बॉल उसके बैट पे नहीं आई। देखो पीछे शक्ल देखो जरा, यही है वो शख्स, ध्यान से देखिए इसे। पहली बात सुनो, ये है मैन ऑफ द मैच। को हाथ नहीं लगाया, तो ऐसे में क्रिकेट मेरा स्पोर्ट्स नहीं रहा, अब मैं बस फुटबॉल खेलता हूँ, नहीं। लेकिन ये बंदे कुछ साल पहले शेम मोहन से कम नहीं, पर मैंने एक साल बैट बॉल का हाथ ही लगाया, ये दिखा। लेकिन अब इनका करियर सच में खराब हो गया, मेरा करियर सच में खराब हो गया, मैंने बैट बॉल खेला ही नहीं है, खेला ही नहीं है, तो मेरा करियर कहां से खराब हो गया? कोई तरीका है भीख मांगने? ये बता, मेरा करा कहां से खराब हो गया जब मैंने एक साल से हाथ ही लगाया बैट बॉल को? ए ब्लॉगर, यहां पे हो गई है मैं हूं रॉकर तुषार का भाई, और आप देख सकते हैं रानी पोखरी देहरादून में क्या सीन हो रहा था शाम के वक्त।
आप देख सकते हैं, और ये सीन देखिए, और हमारे चुग्गू बहन है जिन्होंने चाय बनाई है, ये नज़र नहीं आ रही है, अब नज़र आ रही है यहाँ से देखिए, और ये हमारे बन्नी भाई है, और पिंटू भाई पीछे, नेशनल नगर, और ये हमारे सात फुट दो इंच जी, जी जिसका पैसा 21 दिन में डबल करना हो मेरे पास जी, ये जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ये स्कीम सिर्फ गरीबों गाइस गाइस एक चीज इनके बारे में, ये 21 दिन में पैसा आपका जीरो कर देंगे, इनको बिल्कुल मत दीजिएगा, एकदम के फ्रॉड आदमी है ये। अब कुछ बोलियो, कुछ बोलिए, ब्लॉग बन रहा है। हेलो दोस्तों, आज बिरयानी बन रही है जी, दिखाइए बिरयानी का है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर हम नानी के मकान में आए और एक लाया है, उसका नाम डगला है। अच्छा सुन तो ले, इसको पहले बार सुन, यहाँ कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ा मजा भी आ रहा है। ये बहुत ही गपोड़ी आदमी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ओ भाई देखो, मैं छिलू तेरा, बहुत ही गोलीबाज एवं गपोड़ी आदमी है, खाएगा? आप और कुछ कमेंट देना चाहते हैं दोस्त, और कुछ बोलना चाहते हैं? अबे तेरा तो सड़ा हुआ है इधर से, बाय कर दो एक बार, बाय। ये हमारे पिंटू, पिंटू ले रे, पिंटू पिंटू यार देख, ये खेल करते हैं यहाँ पे, जिनका फोन है ये उनके सुपुत्र हैं, और ये गन्ना खाना नहीं छोड़ रहे हैं, एक चूस जा रहे हैं गन्ना लगातार तरीके से, गन्ना चूस के। देखिए ये जो ब्लॉग बना रहे हैं, ये इनका करियर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। क्या बोल रहे थे? और ये सब लोग एक एक करोड़ मेरे घर में पहुंचाओ, 21 दिन में मैं आपका पैसा डबल करूंगा। ये पैसा डबल नहीं करते हैं दोस्तों, अरे ये पैसा जीरो करते हैं, स्कीम है खतरनाक वाली, 21 दिन के अंदर पैसा डबल होगा, 1 करोड़ दो। ये जो औरत है हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे परिवार को सबसे ज्यादा शो ऑफ करती है, और देखिए कितनी बदतमीजी से गन्ना फेंक रही हैं। इनका काम है एक्टिंग करना और पोटी करना। किधर गया? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर है, और एक फिरते पानी डाले हम, और फिर उसको घुमाएंगे, ढक्कन लिया लेंगे, एक और पानी डालेंगे। तो दोस्तों अभी बिरयानी बन रही है, लल्ला हमें लल्ला मुझे मार रहा है। तो दोस्तों यहाँ अमित भैया है, और एक भी बिरयानी बन रही है दोस्तों, हम बिरयानी की वीडियो बना रहे हैं, देखो कैसी बन रही है, अच्छी है। हल्दी भी होना चाहिए ना, तुम भी गाइस। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी नाती नतना सवार है। ये है मेरी मौसी, और ये है मेरी मौसी का लड़का, बनी। इसका नाम है बनी, और चलते हैं अंदर। मेरा नाम भी, इसका नाम बनी। और ये है जो बिरयानी बना रही है ना पास में मौसी, ये उनका लड़का है, इनको तो आपने देख ही रखा होगा। ये मेरी मामी, ये मेरे नाना, ये मेरा रेडी है। हाय गाइस, टुडे आई एम हिंदी में बोलना है, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ अपने मोटी बाबू के लिए, और बाबू राम के लिए, और अपनी सारी फैमिली के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, लेकिन स्पेशल कुछ स्पेशल नहीं है, बट आई ट्राई टू मेक इट बेटर। ओके बाय। दिस इज जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड दिस इज नॉर्मल बिरयानी पुलाव मसाला, ये मैंने 10 रुपीज के खरीदे थे, 2 पैकेट वाले हैं, और मैंने डाला इसमें टोमेटो एंड नॉर्मल मसाला, नथिंग स्पेशल, एंड ऑनियन, एंड या वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। गाइस यहाँ पर तो चल रहा है बैट बॉल, ब्लॉग बना रहा था, कुत्ता ऊपर खेल रहा है ना, यहाँ पर तो चल रहा है।
कितना टेम्प्टिंग लग रहा है गाइस। गाइज़ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।